पीछे से मेरे एक आया, उसने मार शुरू कर दिया जी। अब मैंने देखा भाई कौन है यहाँ, अभी तो कोई नहीं था। हाँ। देखा तो मैं भी ऐसा पीछे मुड़ के देखा जी। तो मैंने फिर दो तीन झापड़े मारे जी। उसके बाद कोई सर थी क्या थी नहीं, उसने मेरे पेट में लगाई। अच्छा क्या ये, तो ये बनियान फट गई। ये बनियान फट गई। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के थाना छेगांव माखन परिसर में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि थाना छेगांव माखन थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी आज सुबह 7 से अधिक वेयर हाउसों में चोरी और चोरी के प्रयास की घटना सामने आई है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि थाना छेगांव माखन के अंतर्गत एक वेयर हाउस देवा पैकेजिंग में यहाँ पर काम करने वाले सिक्योरिटी के साथ जो चोरी की घटना करने जो बदमाश आए थे, तो उन्होंने मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। और इस घटना में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनको कुछ चोट भी लगी है। तो थाना छेगांव माखन पुलिस उक्त घायल सिक्योरिटी गार्ड को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर जा रही है। तो हम जो गार्ड हैं जिन्होंने जो चोर आए थे उनसे मुकाबला किया और इसके बाद उनकी चोरों से हाथापाई भी हुई। इसी दौरान चोरों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद वहां से ताला वहां पे बाहर से बंद कर दिया। हम उस उक्त चौकीदार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दादा क्या नाम है आपका? पंडरी भाऊ जी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं टाकली मोरी का रहने वाला जी। आज क्या हुआ था, आप देवा पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, नाइट ड्यूटी करता हूँ। बैठा था मैं वहाँ, मेरी टार्च डिस्चार्ज हो गई थी जी। तो उस वजह से मैंने भाई सोचा कि मैं इसको चार्जिंग कर लूँ जी। अब चार्जिंग करने में गया जी, तो गेट के ऊपर गया दरवाजे के, तो वहाँ से एक कदम आगे रखा और मैंने लगा चार्जिंग जी। चार्जिंग लगाने के बाद पीछे से मेरे एक आया, उसने मार शुरू कर दिया जी। अब मैंने देखा भाई कौन है यहाँ, अभी तो कोई नहीं था। क्या देखा तो मैं भी ऐसा पीछे मुड़ के देखा जी। तो मैंने फिर उसको दो तीन झापड़े मारे जी। उसके बाद कोई सर थी क्या थी नहीं, उसने मेरे पेट में लगाई। अच्छा क्या ये, तो ये बनियान फट गई? ये बनियान फट गई। अच्छा आपको कहीं चोट भी आई है? चोट वोट कहीं नहीं, वो अगर मैं ऐसा ऐसा खड़े रहता तो मेरे को आ जाती चोट जी। बाकी मैं ऐसा पकड़ के ऐसा झुक गया था जी। क्या पकड़? तो पहले एक चोर आया था, उसके बाद पहले एक आया, उसके बाद में दो आए। अच्छा टोटल तीन हो गए? टोटल तीन हो गए, टोटल पांच थे। वो कैमरे में पांच, बाद में कराना तो कैमरे में पांच थे जी। बाकी पहले एक आया, उसके बाद में तीन आए जी। तो तीनों ने मेरे को पकड़ के अंदर कर दिया जी। और बाहर जो गेट, वो जो एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है हाँ, उसमें उसमें बंद कर दिया। बंद कर दिया। और कुछ धमकी वगैरह भी दिया? धमकी दी ना मेरे को, बोले तुम अगर कभी चिल्ला चोट करोगे तो गोली मार देंगे। अच्छा ऐसा बोल के? उनके पास कुछ ऐसा था गोली मारने का? वो ऐसे यहाँ पे कोई था उसके, तो ऐसे बता रहे थे वो। अच्छा क्या बोले, ऐसा हाथ ले जाके बोले हम गोली मार देंगे, उठा के गोली मार देंगे ऐसे। हाँ। करके उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ चोरी की वारदात उसके की। बाद में वहाँ चोरी की वारदात की जी। तो मैं करीब 15-20 मिनट 25 मिनट मतलब अंदर कमरे रहा, में बंद रहा, कमरे में बंद रहा जी। उसके बाद में चोरी करके निकल गए जी। क्या जी, वो 10 मिनट 7-8 मिनट के बाद मैंने फोन लगाया सेठ को जी। क्योंकि उन्होंने धमकी दी, तो मैंने कहा भाई अभी मैं मान लो कभी फोन लगाऊंगा तो यही के खोल के मेरे को मार पीटी करेंगे ज्यादा जी। क्या जी, तो हाँ तो इस वजह से मैंने क्या करा जी कि सर सेठ को मैंने फोन लगाया मतलब 7 मिनट बाद में जी। उसके बाद में सवेरे सब पहुंच गए, फिर सेठ ने आके और सभी लोगों ने आके दरवाजा खोला वहाँ पे जी। तो कुछ ले, क्या क्या लेके गए कुछ पता चला आपको? वो पैसे से ले गए और एक वो बॉक्स था जी, कैमरे उनका वो सीडी का जी। क्या है वो मैं नहीं मतलब आपने जो अपना कर्तव्य वो पूरा निभाया, मतलब कि वो कोई वारदात नहीं करे उनको भगाने का पूरा प्रयास किया, प्रयास किया। लेकिन वो एक से ज्यादा संख्या में आ गए हाँ। और उन्होंने फिर आपको वो भारी हो गए, भारी हो गए तो इस कारण और उन्होंने आपको कक्ष में बंद कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद ही वो चोरी कर पाया ठीक। कितने क्या पैसे लेके गए कुछ पता चला? नहीं ऐसा कोई पता चला, ऐसे मतलब 20-25 हजार का आपने सुना ऐसा जी। नकाबपोश थे वो? हाँ नकाबपोश थे, सब बंधे हुए चेहरे। अच्छा कोई ऐसा पहचान में नहीं आ पाया? नहीं पहचान में भी ना आ पाए और
एक तो पूरा नंगा था, खाली जांघे पहना हुआ था बस। अच्छा। और मुंह बंधा हुआ था। मुंह बंधा हुआ और बाकी है ना चड्डे उनपे थे। अच्छा चड्डे पे थे। हाँ जी। और कई बनियान पहना था, कोई मतलब शर्ट पहना था, पर शर्ट भी ऐसे बंधी हुई थी। जी ठीक है, ऐसे करके ना जी। तो आपने देखा कि ये घटना के संबंध में जो चौकीदार हैं उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।